आपने कहा कि आप इस बिल पर कोई एतराज नहीं करेंगे, लेकिन साथ आपने कहा कि एक एक्सरसाइज शुरू करेंगे और आप कर रहे हैं। मैं यहाँ पर सर एक चीज कहूंगा, बिल्कुल ये पीसमील होगा, शायद आपने पूरी तरह पढ़ा नहीं है। सर मैं किस चीज की अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक, बिल्कुल सर अपने आईसीटी में जो इस वक्त में रूल एप्लीकेबल है, जो एक्ट चल रहा है फॉर दी एजुकेशन, उसमें उसकी बेहतरी के लिए। मैम हमें ये नहीं भूलना चाहिए, मिनिस्टर साहब ने बड़ी आइडियल सिचुएशन बताई है, वेरी गुड, हम सब इनके साथ हैं, बट हमें फैक्ट हकीकत पे मबनी बातें करनी चाहिए, जो हकायक हैं उनको सामने लेकर चलना चाहिए। आई होप मिनिस्टर साहब एग्री करेंगे, इनको इनकी टीम ने बताया होगा कि जितनी बातें कर रहे हैं लॉ सेक्टर के यहाँ रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ब्रदर, के ये बताइए विदाउट 18th अमेंडमेंट ये सब बातें हो सकती हैं? रोल बैक करें 18th अमेंडमेंट को जो मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं एजुकेशन के शोबे में, इट्स अ डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट। सर आप देखें, बात सुने, आप एक नया मुद्दा हमने शुरू कर, नहीं सर जो लॉ की बात है, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट सर, आप हवा में बात कर रहे हैं, माजरा मैं हवा में नहीं कर रहा, मैं आपको, मैं आपको कानून के मुताबिक, ये मेरी ख्वाहिश आपकी ख्वाहिश की बात नहीं है, ये कानून की बात है, आप कॉन्स्टिट्यूशन में गुजारिश करता हूं, मेरी गुजारिश सुनो। हमने जो अपनी नेशनल करिकुलम काउंसिल बनाई है उसमें सारे सूबों की नुमाइंदगी है, उसके अंदर मैंने इंटर प्रोविंशियल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस की, सबको किया, मैं सिंध गया, मैंने जाके मैंने सिंध गया, सुन लेना, सुन लेना, आप सुन लीजिए जो बात है, जी साहब मेरी बात तो कर रहे हैं ना, मुझे मौका दीजिए अपनी सफाई पेश करने का, बिकॉज ये मेरा मामला है और मैं जिस तरह बात कर रहा हूँ, यहाँ सब लोग जो कानून को समझते हैं वो हमेशा यही कहेंगे, इट इज अ डिवॉल्व से ना बल्द नहीं हूँ सर, मैं नहीं कहना चाहता, मैं कतई तौर पर ये नहीं कहूंगा, मेरी बात ये है कि अगर आप समझते हैं कि कानूनी तौर पर आईसीटी में अगर ये चीज हो जाती है तो वो आईसीटी की बेहतरी के लिए है या नहीं है, इस पर आप बता दीजिए, अगर कोई एतराज है आप मुझे बताइए, इसमें कोई आप तब्दीली चाहते हैं जरूर मुझे बता दीजिए, लेकिन जो आप नेशनल करिकुलम काउंसिल की बात कर रहे हैं सर, जरूर आप सबको ऑन बोर्ड ले आएंगे, लेकिन मैं चूंकि जानता हूं कतई तौर पर, जब तक आप लेट मी क्लियर, आप लीगल पोजीशन बता देंगे कि क्या विदाउट 18th अमेंडमेंट, हाँ या ना में बताइएगा, जब तक आप 18th अमेंडमेंट को रोल बैक नहीं करते, क्या आप सूबों के मामले में एजुकेशन में हेल्थ में गेम्स में मुदाखलत कर सकते हैं? क्या आपने अगली बात एक फिर आप जवाब दे दीजिएगा प्लीज, कि जो 18th अमेंडमेंट में इख्तियार दिया गया है सूबों को अपना कैरिकुलम बनाने का, क्या आप उनको फोर्स कर सकते हैं कि वो कैरिकुलम तब्दील करें? कौन फोर्स कर रहा है उनको सर? हम उनके साथ मशवरे के साथ चल रहे हैं, मशवरे तो सबके सामने प्लीज पूछिए, बिल्कुल हम ये पीसमेल इंटरवेंशन को अपोज करते हैं। चलिए सर आपका हक है, मैं इस तरह कहना चाहता हूं।